ओके सो हेलो पारिता, हैप्पी न्यू ईयर निर्भय, हैप्पी न्यू ईयर, बिलेटेड बर्थडे विश इज आल्सो। हाँ चलो, सो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 इन हिस्ट्री, दैट इज वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। ओके बंद कर दूँ। हाँ तो हम ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे वीवर्स। ओके वीवर्स मतलब जो कपड़े बुनते हैं, वो वीविंग बोलते हैं ना, बुनना, दैट इज वीवर्स, दे आर वीवर्स। आयरन स्मेल्टर्स, आयरन स्मेल्टर्स, स्मेल्टर्स मतलब क्या, जो पिघलते हैं सॉलिड को, गर्म करके उसका मेल्टिंग फॉर्म बना देते हैं, लिक्विड फॉर्म। चालू छे मैं मैडम नु भी चालू छे, एक मिनट। हाँ मैडम नु भी चालू छे, एक मिनट, वन मिनट पारिता, आई विल कॉल यू बैक। ले मैडम ने खेची ने आज आ बाजू आ जाए। हाँ सो वीवर्स, दैट इज वी आर डिस्कसिंग वीवर्स, जो कपड़े बुनते हैं वो। आयरन स्मेल्टर्स मतलब जो लोहे को, मतलब मेटल को पिघलाते हैं और उसमें से जनरली क्या बनाते थे, तलवार बनाते थे। ओके आयरन स्मेल्टर्स और फैक्ट्री ओनर्स, जो फैक्ट्री को ओन करते थे वो, उनके बारे में ये चैप्टर है पूरा। ओके तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन बताऊं, तो इंट्रोडक्शन में है सबसे पहले टेक्सटाइल, ये चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल मतलब क्या, कपड़े। ओके टेक्सटाइल मतलब हम, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात लो तो टेक्सटाइल बिजनेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मतलब मैं क्या सोचता था कि वहाँ टाइल्स बनती है, मैं ऐसे सोचता था। ओके कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब क्या, जहाँ टाइल्स बनती हो वो इंडस्ट्री, दैट इज़ नॉट द केस। ओके टेक्सटाइल मीन्स क्या, जहाँ कपड़े बनते हैं। ओके एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन की इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके तो ये चैप्टर में हम ये इनके बारे में देखेंगे। टेक्सटाइल का मीनिंग होता है कपड़ा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़े की इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल और उसमें भी सिर्फ टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब दी सरफेस स्ट्रक्चर। ओके तो किसका स्ट्रक्चर, कपड़े का स्ट्रक्चर, कोई कपड़े के ऊपर जो हम पैटर्न बनाते हैं या डिजाइन बनाते हैं या बुनते हैं, कपड़ों को बुनते हैं। ओके उसी को बोलते हैं टेक्स्ट पे से टेक्सटाइल बना है। ओके कि एक पूरी टेक्स्ट, जैसे हम टेक्स्ट लिखनी हो तो कैसे पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्ट करते हैं और पूरी ऐसे वर्ड लिख जाते हैं, अल्फाबेट से वर्ड लिखते हैं, वैसे ही एक से दूसरा थ्रेड कनेक्ट करते 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 पूरा क्लोथ बनाते हैं, वही हमारा होता है टेक्स्ट। ओके और टाइल लिख दिया है मतलब एक सरफेस बनाते हैं, लाइक दैट टाइल्स कैसे एक सीधा होता है वैसे एक सरफेस बनाते हैं, दैट इज टेक्सटाइल। अभी ये कब की बात है, ये तब की बात है जब इस देश में गंगा बहती। ओके तो ये तब की बात है जब इंडिया ब्रिटिश रूल में था, इंडिया अंडर द ब्रिटिश था, तब की ये सब बातें हैं, अभी की लेटेस्ट बातें नहीं है। ओके तो उसमें हुआ क्या कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मशीनरी प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा हुआ, कहाँ पे, ब्रिटेन में, यहाँ पे नहीं, ब्रिटेन में। तो इंडिया तो थी ब्रिटिश के अंडर में, और फिर ब्रिटिशर्स के वहां पर मतलब ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ। एंड मेकेनाइज्ड प्रोडक्शन, पहले जो हाथों से हो रहा था, मतलब 100 लोगों से जो काम हो रहा था वो एक मशीन कर रहा है, फिर वैसे दूसरा मशीन ले आए तो 200 लोगों की जगह डायरेक्टली 2 मशीन ही कर रहे हैं काम। तो इतने मशीन्स आ गए, इतना टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट हो गया कि ब्रिटेन ने बहुत ग्रो किया, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड मेकेनाइज्ड प्रोडक्शन। तो इसकी वजह से ब्रिटेन का नाम पड़ गया था क्या, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी वर्कशॉप है, जो भी वर्कशॉप है, वर्कशॉप मतलब क्या,
कि सपोज हमारी गाड़ी है, गाड़ी को रिपेयर करने ले जाए तो क्या बोलते हैं, गैरेज। ओके, तो वैसे ही गैरेज तो गैरेज है, लेकिन वर्कशॉप क्या है? वर्कशॉप मतलब जहाँ गाड़ी बनती है। गैरेज में तो गाड़ी रिपेयर होती है, लेकिन गाड़ी का सपोज इंजन बनाना है, उसका व्हील का अलाइनमेंट बनाना है, कुछ भी करना है, वो सब कुछ बनाना है, नया कुछ है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास ऐसे मेटल का एक पत्थर पड़ा हुआ है, रॉक पड़ा हुआ है, उसमें से हमें सब कुछ सरफेस फिनिश काट कूट के सबसे नया व्हीकल बनाना है, तो वो हो जाएगा वर्कशॉप। ओके, तो वो ब्रिटेन कॉल, ब्रिटेन वॉज कॉल्ड एज वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ, वो तो हमने देखा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हुआ, मतलब ब्रिटेन में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री आने लगी और बहुत पैसे कमाने लगे, मतलब धूम धूम पैसे कमाने लगे। उससे हुआ क्या, कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया में कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गए, मतलब थोड़ी बहुत मतलब कॉम्पिटिशन शुरू हो गई, एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में भी फिर वो लोग अपने, ब्रिटेन में तो उन्होंने अपना प्रॉफिट किया, फिर इंडिया में भी अपना वो प्रॉफिट करने लगे। ओके, वो सब हम ये चैप्टर में देखने वाले हैं, ये तो ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं कि करने लगे, कैसे करने लगे वो हम चैप्टर में देखेंगे। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेड टू टेरिटरी, मतलब वो आए थे ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आए थे, और बिजनेस करते 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 वहाँ पहुँच गए कि अभी हम ट्रेड तो यहाँ करेंगे ही, ये टेरिटरी भी हमारी है। टेरिटरी मतलब पर्टिकुलर रीजन, जगह, ये जगह भी हमारी है, लाइक दैट। तो ट्रेड टू टेरिटरी, ओके, कि ट्रेड टू टेरिटरी मतलब कि ये जगह भी हमारी है, मतलब आए थे बिजनेस करने और फिर पूरी गवर्नमेंट को और नेशन को रूल करने लगे। और फिर उसका क्या हुआ नेक्स्ट, दैट इज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू वास्ट मार्केट ऑफ सेलिंग गुड्स, मतलब ये ही एक सप्लायर बन गया, ब्रिटेन सप्लायर बन गया वास्ट मार्केट, मतलब बहुत बड़े मार्केट का सप्लायर बन गया। तो सप्लायर बन गया मतलब क्या, उसके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो सप्लायर बन गया मतलब क्या, कि वो रॉ मटेरियल दे रहा था। ओके, नाउ रॉ मटेरियल दे रहा था तो क्या उसके पास था रॉ मटेरियल? उसके पास भी नहीं था, वो इंडिया से ले रहा था सब कुछ और फिर पूरे यूरोप में भेज रहा था। ले रहा था कहाँ से? इंडिया से। और दे रहा था किसको? इंग्लैंड में तो दे ही रहा था, लेकिन इंग्लैंड के साथ साथ पूरे यूरोप को दे रहा था। ओके, तो वो सब ब्रिटेन की मतलब चालाक दिमाग, दी पावरफुल थिंकिंग बोलते, पावरफुल बोलो या फिर पावरफुल ही बोल सकते हैं ना, भले ही गलत दिशा में जा रहा है लेकिन जा तो रहा है, लाइक दैट। तो वो सब चीज़ हम ये चैप्टर में इंट्रोडक्शन के तौर पे हमने ये देखा कि ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। और ओवरव्यू है, वो ओवरव्यू में क्या क्या है, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इज द इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, कि इंडियन टेक्सटाइल्स क्या है, इंडिया का कपड़ा इतना फेमस है तो क्यों है, और वर्ल्ड मार्केट में उसका क्या है, मतलब वर्ल्ड के पास भी ऑलरेडी सब कपड़े हैं तो इंडियन कपड़े की ऐसी क्या खासियत है जो वर्ल्ड को चाहिए। दूसरा है वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री, कि जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वही हमें हिस्ट्री बता रहे हैं, कैसे कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, वो टॉपिक हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट, कि हमारा कपड़ा जो है वो यूरोपियन मार्केट में वो कैसे बिजनेस कर रहा है वो। एंड देन हु वेयर द वेवर्स, ओके, मतलब जो वीवर्स थे वो कौन थे, एक्चुअल में थे कौन, वो भी हम देखेंगे। और फिर आएगा The decline of Indian textiles, के इतना ही फेमस था पूरे ब्रिटेन को उन्होंने माला माल कर दिया हमारे कपड़े ने, पूरे यूरोप में अपना कपड़ा फेमस हो गया, टेक्सटाइल फेमस हो गया, तो फिर डिक्लाइन क्यों हुआ, इंडियन टेक्सटाइल्स डाउन क्यों हो गई। ओके, कॉटन मिल्स कम अप, कॉटन मिल्स आ गए, जैसे सुगर फैक्ट्री तो सुगर मिल बोलते हैं, ओके, कि वहाँ पे सुगर बनती है, सुगर केन से सुगर केन जूस और फिर सुगर केन बनती है, तो वो मिल आ गई। वैसे ही खाने की सब मिल थी, कपड़ों की मिल नहीं थी, तो कपड़ों की भी मिल आ गई, कॉटन मिल, ओके, वो आ गया। एंड देन द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड द वुड स्टील, मतलब स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान की तलवार किसने बनाई, क्या हुआ, वो सब भी हम देखेंगे। एबंडन फर्नेस इन विलेजेस, वो क्या हुआ विलेजेस में, क्या हुआ और कैसे कैसे मतलब फर्नेस को बंद कर दिया गया था, ओके, सब कुछ हम देखेंगे। एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कम अप इन इंडिया, तो इंडिया में भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री आ गई थी, वो कैसे आई और क्या हुआ, वो भी हम ये चैप्टर में देखेंगे। तो दीज आर दी टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन
दिस चैप्टर. ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शनरी पार्ट. ये तो मैंने नोट्स में से तुम्हें बताया, अभी बुक में से देखते हैं. हाँ, शुगर केन से बनती है. हाँ, शुगर जो हमारी होती है, शुगर केन जो होती है, उसी से शुगर केन जूस बनता है और फिर सब कुछ उसमें से ही बनता है. जैगरी जो गुड़ होता है, गुड़ गॉड, वो भी उसमें से बनता है और जो शुगर होती है वो भी उसमें से ही बनता है. आता तो उसमें से ही. ऐसा क्यों बोलते हैं कि जिसको डायबिटीज होता है, हाँ, उसके लिए मतलब गुड़ अच्छा है लेकिन शुगर अच्छी नहीं है. वो इसलिए कि गुड़ रॉ है, रॉ, उसमें कोई मटेरियल या कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जाता, प्रोसेस नहीं किया जाता, वो नेचुरली बना दिया जाता है. लेकिन जो शुगर है उसे उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, पॉलिशिंग कर दिया जाता है. ओके, तो उससे क्या होता है, केमिकल्स अंदर ऐड हो गए, दैट इज हैजार्डियस. और वो आर्टिफिशियल स्वीटनेस भी देते हैं. जैगरी में आर्टिफिशियल स्वीटनेस नहीं होती, मतलब कोई केमिकल ऐड नहीं करते. अब तो वो भी करते हैं. ओके, मतलब जो गांव में गुड़ मिलता है वो तुम देखोगे तो ये क्या है, ये मैं नहीं खाऊंगा ऐसे बोलोगे. लेकिन वो दिखता ऐसा है लेकिन वो प्योर है. और जो हमें दुकान में मिलता है इतना मस्त चमकता चमकता मिलता है, ऐसे पीस करोगे तो पीस करके ऐसे चॉकलेट के जैसे गुड़ खा भी सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ओके, तो वही चीज़ है, बनता तो उसमें से ही. गाँव में पत्थर जैसा होता है, देखेंगे तो भी ऐसे कि ये क्या है, काला काला ऐसे. ओके, हाँ, मतलब एकदम काला नहीं लेकिन जैसा अभी हमें दिखता है वैसा भी नहीं होता, जैसे हमारे स्किन कलर का हमें दिखता है. ओके, ये स्किन कलर का हम बाहर से लाते हैं वो स्किन कलर का होता है, लेकिन वो गांव वाला इससे डार्क होता है. ओके, ब्राउनिश जो तुम बोले ना वैसा ही होता है. देखो ये फर्स्ट फिगर है, वो फिगर क्या दिखा रही है, ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन दी 17th century. 17th century में ये फिगर है, फोटोग्राफ नहीं है, ये फिगर है. वो फिगर क्या दिखा रही है कि ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th century. 17th century की बात है, मतलब 1601 से 1700 तक का टाइम जो है, तब ट्रेडिंग शिप्स आई थी इंडिया. इंडिया के पास सब लोग बिजनेस करने आए थे, इंडिया में सब लोग बिजनेस करने आए थे. तो ये शिप्स का ऐसे फोटोग्राफ दिया हुआ है कि इंडिया पहले से ही, इंडिया में तो सबको पहले से ही बिजनेस तो करना ही है, तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है. देखो, सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन ट्रेड. सबसे पहले अंग्रेज आए थे, वो भी कहाँ आए थे, सूरत में आए थे. और सूरत के बाद कहाँ आए थे, भरूच में आए थे. और भरूच में कहाँ आए थे, दहेज पोर्ट पे आए थे. ओके, मतलब सबसे पहले सूरत से स्टार्ट, हाँ, सूरत से स्टार्ट हुआ था. ओके, सूरत जो हजीरा अभी बोलते हैं ना, हजीरा पोर्ट, वो. डच एंड इंग्लिश ट्रेडिंग शिप्स बिगेन यूजिंग द पोर्ट From the early 17th century, its importance declined in the 18th century. तो ये सूरत वाला पोर्ट वो लोग पहले से ही यूज़ कर रहे थे. क्यों? क्योंकि ऐसे कोस्ट पे है. ओके, वहाँ से डायरेक्ट ओशन में तुम्हारी नाव आएगी तो नाव डायरेक्ट ओशन में चली जाएगी. ओके, तो तुम इजीली बिजनेस कर सकते हो. सो दहेज से भी जा सकती है, दहेज से भी जा सकती है, दहेज जहाँ जहाँ कोस्ट लाइन है वहाँ से जा सकती है, दहेज से जा सकती है, सूरत से जा सकती है, दमन दीव से जा सकती है, महाराष्ट्र मुंबई से जा सकती है, गोवा से जा सकती है, केरला से जा सकती है, कालीकट से. ओके, वो सब हम देखेंगे चैप्टर में, थोड़ा बहुत आएगा. नर्मदा से जा सकती है, नर्मदा से नहीं जा सकती. नर्मदा जहाँ एंड होती है भाड़भूत और फिर जहाँ वो जहाँ ओशन में मिल जाती है वहाँ से जा सकती है, लेकिन रिवर से नहीं जा सकते. क्यों? क्योंकि शिप को तैरने के लिए डेप्थ भी तो चाहिए. शिप की जितनी डेप्थ होगी उतनी तो नर्मदा की डेप्थ है, तो शिप मूव ही कैसे करेगा. उसको तो फ्लोट करने के लिए वाटर भी तो चाहिए. उतना वाटर रिवर में नहीं होता है जितना ओशन में होता है. ओके, चलो, सो दिस चैप्टर टेल्स अस, चलो अभी ये तुम पढ़ो. तुम भाई बुक तो अलग है. ओके, कोई नहीं, चलो मैं ही पढ़ता हूँ. हाँ, सो दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल एंड आयरन एंड स्टील. वही हमने देखा. ओके, Now, both these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. यही दो industry crucial थी. Okay, crucial मतलब important, significant थी. Now, mechanized production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. ये अभी mechanized, बहुत ज़्यादा mechanism machines आ गए, इसीलिए Britain को क्या बोला हमने, workshop of the world. के 19th सेंचुरी में, मतलब 1801 से 1900 तक, ये पूरा ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, पैसे भी बहुत आ गए.
एंड व्हेन इट्स आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड ग्रोइंग फ्रॉम द 1850s, 19th सेंचुरी की बात चल रही है, तो जब 1815 से स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन केम टू नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. तो 1850 से है, याद रखना ईयर कौन सा है, 1815 से जब ये आगे बढ़ने लगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, तो उसे क्या बोला गया, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड. ये हमने नोट्स में भी देख लिया है, नोट्स के फोटोग्राफ में ग्रुप में भेज दूंगा. ओके नाउ सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विथ द कॉन्क्वेस्ट एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया. क्लोज कनेक्शन था, क्यों, क्योंकि वो लोग क्यों था वो अभी हम देखेंगे. यू हैव सीन हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज इंटरेस्ट इन द ट्रेड लेड टू द ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी. मतलब ट्रेड टू टेरिटरी बोला ना हमने, कि आए थे बिजनेस करने और फिर रूल करने लग गए. और ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारे नाम क्यों है, देखो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने नाम दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने अपनी कंपनी एक ऑफिस खोल दी, उसको बोल दिया कंपनी. फिर फ्रेंच आए थे, फ्रांस से फ्रेंच आए थे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. पोर्टुगल से पोर्टुगीज आए थे, तो उन्होंने क्या बोल दिया, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी. तो क्यों ऐसे बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वहीं से यूरोप से, यूरोप से तो सब लोग ऐसे आए थे, तो क्यों ऐसा बोला ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी. अब यहाँ पे तो वर्ल्ड मैप नहीं है, इंडिया का मैप है, तो कहीं पे होगा ना वर्ल्ड मैप, वॉट एवर. तो यूरोप से जब इंडिया आए थे, तो यूरोप, अगर तुम अर्थ देखो, पूरा अर्थ देखो या वर्ल्ड मैप देखो, तो यूरोप है ऑन दी, अगर मैप में देखे तो ऑन दी वेस्ट साइड, और इंडिया है ऑन दी ईस्ट साइड. ओके, अगर यूरोप से इंडिया देखे तो यूरोप वेस्ट में आता है, इंडिया ईस्ट में आता है, तो वहाँ से यहाँ आए, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नाम दिया. ऐसा कोई, ऐसे नाम के पीछे भी रीज़न है. ओके, तो ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच आए थे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही उन्होंने सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी. ओके नाउ हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंज्ड ओवर द डिकेड्स. कि डिकेड्स, डिकेड्स मतलब क्या, 10 साल या 100 साल, डिकेड्स मतलब 10 साल, 10 साल, डिकेड मतलब, डी मतलब 10, और सेंचुरी तो हमें पता है, सेंचुरी मतलब 100. ओके, इन द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वॉज बाइंग गुड्स इन इंडिया. तो लेट 18th सेंचुरी मतलब 70-75 से लास्ट तक 1800 तक, वही होगी लेट 18th सेंचुरी. तो क्या किया, वो जो कंपनी थी वो यहाँ से गुड्स बाई करती थी एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भेजती थी, एक्सपोर्ट करती थी, एंड पूरे यूरोप में भी, नॉट ओनली इन इंग्लैंड, पूरे यूरोप में, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस सेल. बहुत पैसे कमाए इन्होंने. विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन टू सी इंडिया एज अ वास्ट मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, ब्रिटिशर्स को और यूरोप, सारे यूरोप के पीपल को, बिजनेस मैन को लगा, बिजनेस जो पीपल हुए, बिजनेस पीपल, उनको लगा कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, कि उनको जो पैसे कमाने हैं उसके लिए इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है. क्यों, क्योंकि इंडिया में सारे ही रॉ मटेरियल मिल जाते हैं, सारे ही रॉ मटेरियल इंडिया में मिल जाते हैं. हमारा ही बना कर, ऐसा भी नहीं, हमारा बनाया, हमारा रॉ मटेरियल यहाँ से लिया और फिर बेच रहे हैं फॉरेन में, यूरोप में, इंग्लैंड में बेच रहे हैं, और हमें भी बेच रहे हैं. ओके, लेकिन डायरेक्ट नहीं बेच रहे, यहाँ से कॉटन ले जा रहे हैं, और बना कहाँ रहे हैं, इंग्लैंड में, यूरोप में बना रहे, और फिर वहाँ बेच रहे, और फिर वहाँ से वापस यहाँ भी ला रहे, तो हमें वापस इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी. हमें इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी क्योंकि वो ब्रिटेन से यहाँ आ रहा है. ओके, तो इम्पोर्ट ड्यूटी, हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलेगी कब, जब कॉटन यहाँ से वहाँ जा रहा है, लेकिन कॉटन का कपड़ा बन के जब आएगा तब वापस हमें इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, और वही कपड़ा हम खरीदेंगे. हमारे ही रुई, हमारे ही कॉटन से बना कपड़ा हम ही खरीदते हैं ज़्यादा पैसे देके. ओके, क्यों, क्योंकि इन लोग को ये मार्केट समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ तो कोई इंडस्ट्री अभी करने वाला नहीं है, इतने पैसे ही नहीं है. सभी किंग और की, वो जो हमारे रूलर्स थे, सारे किंग्स थे, वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं पैसे बढ़ाने में, किसी को मतलब इतना दिमाग लगाते नहीं है, सबको पैसे बढ़ाने, रीजन बढ़ाने और पैसे बढ़ाने, दो ही चीज़ है. तो रीजन तो बढ़ाएंगे एक दूसरे के साथ झगड़ा करके, लड़ाई करके, पैसे कैसे बढ़ाएंगे वो उनको नहीं पता. उनको मतलब, हमारे वहाँ पे मुगल आए थे और सब लोग आए,
तो पैसे बढ़ाने मतलब वो लोग क्या चाहते थे, लूट लो के टैक्स बढ़ा दो। अगर अभी पीपल सपोज 1000 रुपीज कमा रही है और 10 रुपए टैक्स दे रही है तो 10 के 20 कर दो, 20 के 50 कर दो, बढ़ाया करो बढ़ाया करो बढ़ाया करो, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो ही सिर्फ इनकम का पार्ट हो गया, लेकिन इनकम तो इंडस्ट्री करके भी लिया जाता था। इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री में पीपल होते हैं, रॉ मटेरियल डालो, प्रोडक्ट निकलती, ये सब दिमाग हम लगाते ही नहीं थे। ओके, हम ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़े और वो लोग हमें लूट के चले गए। नाउ एंड ओवर द टाइम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन बिगेन फ्लडिंग इन इंडिया। तो यहाँ से इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल वहाँ जाता था और वहाँ से प्रोडक्ट बन के वहाँ से यहाँ आता था। यहाँ से जाता था रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री वहाँ पे थी, रॉ मटेरियल का यूज़ इंडस्ट्री में होता था और फिर प्रोडक्ट बनता था और प्रोडक्ट फिर वापस यहाँ आता था। ओके, हाउ डिड दिस अफेक्ट द इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। तो वो यहाँ आता था तो अभी लोगों को क्या लगता था, अरे फॉरेन का आया है, फॉरेन का आया है, ऐसे फॉरेन से फॉरेन के कपड़े पहन रहे हैं, ऐसे इम्पोर्टेड कपड़े, इम्पोर्टेड मोबाइल, इम्पोर्टेड कपड़े, ऐसे ऐसे नहीं बोलते हम, तो इम्पोर्टेड है ये, हमारा टीवी इम्पोर्टेड है, हमारी कार इम्पोर्टेड है, यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ कैसे मिलेगी, वहाँ यहाँ बने ही नहीं है तो। ओके, तो इम्पोर्टेड कपड़े पहनते थे, तो उनसे इससे इफेक्ट क्या होता था इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री को। इंडिया में जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री थी या जो भी लोग क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो ऐसे वीवर्स थे एंड ऑल, वो लोग जो बनाते थे उनको कैसे अफेक्ट करती थी, दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। कि ये अफेक्ट तो करता था वो तो पक्का है, लेकिन कैसे अफेक्ट किया इंडियन मार्केट को, इंडियन क्राफ्ट्समैन को, इंडियन इंडस्ट्रीज को, वो हम ये चैप्टर में देखने वाले। सर हमने सब चीज़ों का असर बढ़ा चढ़ाकर वो रखा हुआ उन लोग, मतलब आउट ऑफ इंडिया की चीज़ों को। हाँ हमने ही रखा है कि फॉरेन से इम्पोर्टेड आया, ये आया, अभी एप्पल एप्पल हम आईफोन को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया कि हम अभी सब क्रेजी है, मतलब जितने पैसे हम लोग इंडियन नहीं खर्चते, जितने पैसे वो लोग नहीं खर्चते उससे ज़्यादा पैसे हम खर्च करते हैं। ओके, किसके पीछे, फ़ोन के पीछे, वहाँ की गाड़ियों के पीछे, वहाँ की टेक्नोलॉजी के पीछे, वहाँ की जॉब के पीछे, वहाँ को रहने के लिए पैसे दे देते हैं। एक बार किसी को पहचानो ना तो पूछना फॉरेन में, यूएस में, यूके में कितना टैक्स है। टैक्स मतलब कौन सा टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को, जैसे ये घर वेरो हम भरते हैं ना, हाउस टैक्स, फिर ये जो हम पैसे कमाते हैं उसमें जो हम टैक्स भरते हैं, वो टैक्सेस सिर्फ पूछना तुम यूएसए यूके में, इतने ज़्यादा टैक्सेस है कि तुम बोलोगे अरे ये क्या हम गवर्नमेंट के लिए कमा रहे हैं या हमारे लिए कमा रहे हैं, ऐसा उतने ज़्यादा टैक्स है। लेकिन वो टैक्स से इतनी ज़्यादा सर्विस भी तो मिलती है उन्हें, इतनी खतरनाक सर्विस मिलती है, सब कुछ ही मिलता है, सर्विस ही इतनी फास्ट है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, फास्ट सर्विस। अभी रोड पर अगर कोई जा रहा होता है बिना पासपोर्ट के तो भी उसको घर छोड़ कर आ जाते हैं। हाँ वही है, इसीलिए तो इतनी फास्ट सर्विस है। आया समझ में? Yes. तो अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। सर ये कार कैसे इंपोर्ट करते हैं? कार पूरी पूरी शिप में आती है, भर भर के। हाँ शिप में आती है और जहाँ पे रेलवे पॉसिबल हो तो रेलवेज में भी आती है, और रोड पॉसिबल हो बाय रोड तो ट्रक में भर के आती है। वो धूम मूवी नहीं देखी, बड़ी बड़ी ट्रॉली में कितनी 5, 6, 7, 10 गाड़िया भरी हुई होती है, कितना बड़ा ट्रेलर होता है। तुम हाईवे पे जाना लॉन्ग ड्राइव पे तो तुम्हें दिखेगी, जैसे बाइक चढ़ा दी होती है वैसे ही कार चढ़ा देते हैं। वो तो पता है, लेकिन आउट ऑफ इंडिया से तो मतलब आउट ऑफ इंडिया तो शिप से ही जाता है, बाय रोड पॉसिबल हो। जैसे तुम्हें यहाँ से फिर नेपाल भेजना है तो बाय रोड पॉसिबल है, यहाँ से तुम्हें पाकिस्तान भेजना है बाय रोड पॉसिबल है। ओके, बांग्लादेश बाय रोड पॉसिबल है, लेकिन फिर यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, वहाँ बाय रोड पॉसिबल नहीं है तो वो शिप से जाता है। यही देखो हमारा ये जो सी वेव शुरू हुआ था दहेज टू घोघा, ये जो डायरेक्टली सौराष्ट्र जुट जाता था, तो यहाँ जो लोग कार लेके आ जाते थे और पूरी की पूरी कार तुम्हें चढ़ा देनी है और फिर कार में ही बैठे रहो, वहाँ से ऐसे डायरेक्ट वहाँ जाके कार उतार दो, हो गया, वैसे ही ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, नाउ सेकंड, दैट इज इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट, ये हम टॉपिक देखने वाले हैं। ओके, तो इससे सबसे पहले इसकी फिगर देखो क्या दिया हुआ है फिगर में, एलिफेंट है सर, एलिफेंट की मतलब ये चद्दर है और चद्दर पे फिगर बनाई गई है एलिफेंट एंड ऑल। ओके, तो पटोला वीव, पाटन थी पटोड़ा मोंगा लाओ जैसे नहीं है हमारा गरबा, तो वो पटोला। ओके,
तो वो पटोला पाटन से लाना है। पाटन मतलब कहाँ, ये जो अंबाजी रोड पे जो हमारा रीजन है वो, उसको हम पाटन बोलते हैं। तो ये पटोला वीव है, ये वीव किया हुआ है, मशीन प्रिंटिंग प्रिंटिंग नहीं है, ये वीव किया हुआ है। ओके, मिड 19th सेंचुरी मतलब 1800 से 1900 तक का, मिड 19th सेंचुरी का है ये पटोला। वॉज वोवन इन सूरत, सूरत का है, अहमदाबाद एंड पाटन, ये तीन जगह पे। हम पाटन थी पटोड़ा ऐसे ही गाते रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, सूरत। ओके, सॉरी पूरे एशिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की, वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड की टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी कौन सी कहाँ है, सूरत में। और पूरे एशिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हो, वो एरिया, वो है अपना अंकलेश्वर। अच्छा, अंकलेश्वर पूरे एशिया की। चल, हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसके बहुत पैसे होते हैं। सर दहेज वो में भी वैसा ही है, दहेज में भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे अंकलेश्वर में क्या था कि पहले लोग गवर्नमेंट इतना अपोज नहीं करती थी, तो लोगों ने इतनी मतलब जैसे सोसाइटी में एक के बाजू में दूसरे घर है, वैसे ही एक कंपनी के बाजू में दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी। तुम जाओगे जब तुम्हारा GIDC बोलते हैं ना, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो एक के बाद दूसरी कंपनी, एक के बाद दूसरी कंपनी, ऐसा है। तो उससे होता क्या है, अगर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया था अंकलेश्वर में, इसीलिए पॉल्यूशन में भी पहला नंबर आता है अंकलेश्वर का। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया, इसलिए बहुत सालों पहले गवर्नमेंट ने 1,500 कंपनी को बैन कर दिया, एक साथ। तो सर उसमें कितना नुकसान होगा? नुकसान तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से, उनको अल्टीमेटम दिया था कि तुम अपना जो एग्जॉस्ट है, मतलब तुम्हारा जो आउटपुट है वो कम करो, लेकिन वो कम नहीं करते थे, तो फिर बंद कर दिया, बैन कर दिया, लाइक दैट। सो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ लोकल वीविंग ट्रेडिशन देयर। तो अभी ये इंडोनेशिया का भी पार्ट हो गया है। ओके, क्या ये वीविंग करना। ओके, तो ये टॉपिक में हम देखने वाले हैं टेक्सटाइल, इंडियन टेक्सटाइल्स एंड द वर्ल्ड मार्केट। उसमें सबसे पहले सिचुएशंस ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्शन, तो टेक्सटाइल प्रोडक्शन की सिचुएशंस कैसी थी वो हम देखते हैं। तो उसमें अराउंड 1750 की बात चल रही है, 1750 मतलब बहुत पहले की बात है, बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड द बंगाल, मतलब तभी बंगाल को भी कॉन्कर्ड नहीं किया था, 70 कॉन्कर्ड मतलब जीतना, कॉन्कर्ड मतलब जीतना, तो बंगाल को अभी कॉन्कर्ड नहीं किया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, अभी भी हमारे किंग के हाथ में था ये सब। ओके, GSEB में इंडियन और गुजरात हिस्ट्री बहुत अच्छे से बताई गई है, मतलब हिस्ट्री नहीं पूरा ही SST, GSEB में पूरा ही SST, 8th की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट मतलब सभी स्टैंडर्ड की, 6, 7, 8, 9, 10। क्यों, क्योंकि GSEB की बुक में पर्टिकुलरली इंडिया पे और गुजरात पे कॉन्सेंट्रेट किया गया है, और CBSE में पर्टिकुलरली वर्ल्ड पर और इंडिया में कॉन्सेंट्रेट किया गया है। ओके, लाइक दैट। तो अगर हमारी पर्सनल, हमारी गुजरात की या भारत इंडिया की हिस्ट्री ज़्यादा जाननी हो, तो यू कैन रीड ऑनलाइन बुक्स। ओके, फ्री, इन फ्री टाइम यू कैन रीड ऑनलाइन बुक्स, मिल जाती है GSEB की, इंग्लिश मीडियम की भी आती है, ऐसा नहीं कि GSEB मतलब गुजराती, इंग्लिश मीडियम की भी आती है, यू कैन रीड दैट। ओके, बिफोर, ओके चलो, तो ये सिचुएशंस क्या थी, इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, के बिफोर 1750 जब बंगाल को भी कॉन्कर्ड नहीं किया था, तब उससे पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा कॉटन बनाता था, बहुत ही ज़्यादा। ओके, मोस्ट मतलब, और क्यों इतना फेमस क्यों हो गया, क्योंकि हमारा कॉटन फाइन क्वालिटी का था एंड एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, मतलब एक तो क्वालिटी अच्छी थी और उसे बनाने का तरीका, एक्सक्विजिट क्राफ्टमैनशिप, उसे बनाने का तरीका भी एकदम यूनिक था, कहीं किसी और को जल्दी से कॉपी नहीं कर सकते थे, इसीलिए इतना फेमस था। They were extensively traded in Southeast Asia and West and Central Asia. मतलब in short सारे एशिया में ही जाता था। Southeast Asia मतलब South और East Asia, मतलब ये मलेशिया, इंडोनेशिया, हमारा ये पार्ट, हमारा ईस्ट वाला पार्ट आगे जाए तो, एंड साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया,
वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, बाकी क्या रहा सब भी तो आ गया। ओके तो सब जगह बहुत फेमस था। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, तो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को ये बहुत ज़्यादा लुभावना लगा, मतलब उनकी आंखें आ गई यहाँ पे कि यार ये एक बढ़िया मतलब मौका है, इसको कैसे करके हैंडल करेंगे तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। सो ये लोग क्या करते थे, बाय इंडियन टेक्सटाइल्स, यहाँ से डायरेक्टली बना हुआ कपड़ा ही बाय कर दिया और फिर सेल देम इन यूरोप, वहाँ जाके बेच दिया। जैसे हम यहाँ पे मुंबई से कपड़ा लेके आते और भरूच में बेच देते हैं, ओके तो मार्जिन मिल जाता है। अहमदाबाद से चनिया चोरी और वो सब लेके आते हैं और फिर भरूच में आके बेच देते हैं। सर ये इम्पोर्ट ड्यूटी लगती क्यों है? इम्पोर्ट ड्यूटी इसलिए लगती है कि हम इम्पोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें तो वो जो गवर वो ड्यूटी ना हो तो फिर तुम्हारे देश में कुछ बना है उसका तुम्हें क्या प्रॉफिट मिला, कुछ भी नहीं ना। जैसे अमूल है, ओके अभी अमूल का दूध है तो अमूल का पर्टिकुलर कोई भी ब्रांड का, मतलब अमूल के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज है, कोई एक कैटेगरी का दूध तुम्हें सपोज 30 रुपीज़ मतलब 60 रुपीज़ लीटर मिल रहा है, वही वही क्वालिटी का दूध तुम्हें महाराष्ट्र में 60 की जगह 64 रुपीज़ लीटर मिल रहा है। हाँ सर, मेरा भाई बोल रहा था अभी जो मुंबई से आया ना, वो सर बोल रहा था कि हमारे यहाँ ना क्वालिटी का आइसक्रीम सस्ता है और अमूल का महंगा है। तो वही कि यहाँ जो 60 रुपीज़ में मिल रहा है सेम वो क्वालिटी वहाँ मिल रही है 64 रुपीज़ में, तो 4 रुपये ज़्यादा किस लिए, क्योंकि यहाँ जो अमूल है ओके और वहाँ भी जो अमूल के दूध पैकेट्स बिक रहे हैं वो दूध आता कहाँ से, वो दूध आता है गुजरात के फार्मर्स और गुजरात के जो एनिमल रेयरर्स है वो लोग अमूल को देने जाते हैं। ओके हाँ, और वो अमूल को देने जाते हैं, फिर अमूल पैकेजिंग करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और फिर वो पैकेट बना बना के बेचता है। तो मेहनत किसकी है, अमूल वालों की मेहनत है, और अमूल वाले को रॉ मटेरियल किसने प्रोवाइड किया, यहाँ के एनिमल रेयरर्स ने, मतलब जो एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, एनिमल को ग्रो करते हैं, उसको चारा खिलाते हैं, खाना पीना सब उसको देखते हैं। हस्बेंड्री मतलब एक टाइप का बिजनेस, वो अभी आएगा हमारा एनिमल हस्बेंड्री आने गया साइंस में, थोड़ा बहुत आ गया ना एग्रीकल्चर में और वही चैप्टर्स में आगे के चैप्टर्स में। ओके तो मतलब इन शॉर्ट क्या, एनिमल हस्बेंड्री का मीनिंग क्या होता है कि हस्बैंड मतलब क्या, हस्बैंड मतलब कि तुम हस्बैंड बन गए, मतलब तुम क्या बन गए, अगर डीप सेंस में बोले तो हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है कि तुम्हें मतलब हस्बैंड को वाइफ की केयर करनी चाहिए, केयर की केयर तो करनी है खुद और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या कि वो कुछ अच्छा करे तो अप्रिशिएट करो, वो कुछ बुरा करे मतलब जो सही नहीं है तो उसको समझाओ, ओके फिर दूसरा कि उसको सारी फ्रीडम दो, सब कुछ ए टू जेड, लव केयर सपोर्ट शेयर सब कुछ करे, वही एक अच्छा हस्बैंड होता है। वैसे ही तुम एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या कि तुम उसकी केयर कर रहे हो, उसको खाना खिला रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, वो बीमार पड़ जाए तो उसको हॉस्पिटल भी ले जा रहे हो। जैसे हमारे घर में हम कोई पैट है, वो पैट को हम कैसे खाना खिलाते हैं, मज़े से खिलाते हैं। हाँ उसको नहीं खाना हो तो ले 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 खा ला खा 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 ऐसे, तो हम मज़े से उसको खाना खिला रहे, उसकी केयर कर रहे, उसको नहला रहे धुला रहे, ओके वो बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल ले जा रहे, दवाई खिला रहे, वो सब चीज़ हम कर रहे। वही चीज़ बड़े लेवल पे अगर तुम करो तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और वो क्यों करते हैं, पैसे कमाने के लिए, मतलब यहाँ तुम्हें अगर तुम एनिमल लवर हो तो तुम करोगे, बट एनिमल लवर हो साथ साथ में पैसे भी कमाने हैं तो दिस टाइप ऑफ बिजनेस यू कैन अडॉप्ट, ओके कि तुम्हारा जो पैशन है वो भी हो गया कि तुम केयर कर रहे हो एनिमल्स की, उसके साथ साथ उसके जो बाई प्रोडक्ट्स है ओके वो बाई प्रोडक्ट से तुम पैसे भी कमा सकते हो। आया समझ में? ओके सो दिस इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री और फिर वो वहाँ जाके ये सब बेचते थे। ओके सो दिस इज अबाउट इंडियन टेक्सटाइल्स एंड वर्ल्ड मार्केट। अभी बुक में से भी देख लेते हैं, तो देखो सबसे पहले लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यही चीज़ है, थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ है और मैंने शॉर्ट में तुम्हारी नोट्स में बना दिया है। अराउंड 1750 बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड द बंगाल, इंडिया वॉज बाई फार
द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनोन्ड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप. दे वेर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया, दैट इज जावा, सुमात्रा एंड पेनांग, ओके ये साइड, ओके एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया. फ्रॉम द 16th सेंचुरी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल्स फॉर सेल इन यूरोप. मेमोरीज ऑफ दिस फ्लॉरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मैनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस. इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी वॉट दे टेल अस. तो बोल रहे हैं कि ये जो बिजनेस कर रहे थे वो फ्लॉरिशिंग मतलब क्या कि इतना ज़्यादा फैला, इतना अच्छा हुआ कि उनके जो अभी अभी तो मेमोरी बन गई ना ये सब, अभी थोड़ा ऐसा सब हो रहा है तो अभी मेमोरी बन गई, लेकिन उन वो एज अ मेमोरी भी सब जगह स्टोर कर करके रखा हुआ है कि ये मैं सपोज 300 साल पहले इंडिया से यहाँ ये कारपेट लाया था. वैसे करके इंग्लैंड में बहुत ऐसे घर है जहाँ पे ऐसी एंटीक चीज़ें पड़ी हुई है कि ये जब हम इंडिया को रूल कर रहे थे तब वहाँ से मैं राजा की तलवार, राजा को हरा कर उसकी तलवार लेके आया था, तो उनके लिए एंटिक पीस बन गया. राजा ने ऐसे ही लड़ते लड़ते पता नहीं कैसे कौन सी भी चालू सी तलवार दे दी होगी या मार मतलब वो हार गए तो उनके से ले ली होगी, लेकिन वो उन्होंने रख ली और एंटिक पीस बना दिया. वॉट एवर इट इज़, उनकी फेवरेट तलवार भी हो सकती है, जो हो वो, बट ऐसे होता है. ओके तो वो लोग ऐसे रखते थे, तो वही चीज़ है कि एज अ मेमोरी रखते थे, तो उनके बारे में जानना भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. तो हम अब उसके बारे में ही जानेंगे. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द वर्ड्स टेल्स अस हिस्ट्री, के कौन कौन से वर्ड्स है जो हमें हिस्ट्री बताते हैं. ओके वही है. चलो ये अभी स्टॉप करके दूसरा पार्ट शुरू करें.